Good morning, students. Today we will going to start our next topic of this chapter, and that is structure of the buzzard or component of the buzzard. So this is our lecture number 29. So let's start. Yes, students. So now we will discuss structure of the buzzard or component of the buzzard. So students, two broad components of buzzards are buzzard receipts and buzzard expenditures. So now first of all we will discuss buzzard receipts. So what is buzzard receipts? Buzzard receipts refers to estimated money receipt of the government from all sources during the fiscal year. Okay, so ek fiscal year ke dauran government ko सभी रिसोर्सेज से जो क्या होती है मनी रिसिप्ट होगी, और वो क्या है एस्टिमेट कर रहा है गवर्नमेंट यहाँ पर, ये भी एक्चुअल नहीं होगी, एक्चुअल नहीं लेते हम, ये एस्टिमेट करता है गवर्नमेंट। तो जितनी भी वो एस्टिमेट करता है जो मनी गवर्नमेंट मनी रिसिप्ट जो उसको सभी रिसोर्सेज से एक फिस्कल ईयर के दौरान होगी, तो दैट इज बजट रिसिप्ट। तो स्टूडेंट्स बजट स्टूडेंट्स सो ब्रॉडली बजट रिसिप्ट आर क्लासिफाइड एज रिवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। सो नाउ वी विल डिस्कस रिवेन्यू रिसिप्ट। सो वट इज रिवेन्यू रिसिप्ट? वट आर रिवेन्यू रिसिप्ट? रिवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट मे बी डिफाइंड एज दोज मनी रिसिप्ट विच डू नॉट क्रिएट अ लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट एंड एज वेल डू नॉट लीड द रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। सो स्टूडेंट्स इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके सो यस स्टूडेंट्स, सो ऑल सच मनी रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट आर कॉल्ड रिवेन्यू रिसिप्ट विच शो द फॉलोइंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट इज दीज रिसिप्ट डू नॉट क्रिएट एनी कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटीज फॉर द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की वो रिसिप्ट होती हैं जिससे गवर्नमेंट की कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल टैक्स रिसिप्ट, सो यू नो दैट टैक्स इज अ रिवेन्यू रिसिप्ट बिकॉज इट डजंट इन्वॉल्व एनी कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। क्योंकि टैक्स क्या होते हैं? टैक्स इज अ यूनिलेटरल और कंपल्सरी यूनिलेटरल कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट। यू नो दैट कि टैक्स जो कोई भी टैक्स जो लोगों के ऊपर लगाया जाता है वो एक कंपल्सरी पेमेंट होती है जो गवर्नमेंट को देनी ही देनी है आपने। और ये भी नहीं है कि गवर्नमेंट जब आपको आप जैसे टैक्स देते हो, जैसे इनकम टैक्स हो गया, ओके तो आप देते हो तो इसके बदले में गवर्नमेंट आपको कुछ क्या देगा, कोई सर्विस देगा? नहीं, इससे क्या हो रहा है, ये गवर्नमेंट की वो रिसिप्ट हो गई जिससे उसकी कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही कि आपने उसको मतलब आपने गवर्नमेंट को टैक्स दिया, अब गवर्नमेंट को आगे आपको या तो वापस लौटाना है या उसके बदले में कुछ देना है। ओके सो ये उसकी लाइबिलिटी को क्रिएट नहीं करता, सो इट इज़ रिवेन्यू रिसिप्ट। ओके सो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज दीज रिसिप्ट डू नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की एसेट में किसी भी तरह की कोई रिडक्शन नहीं करेगा ये इस तरह की रिसिप्ट। फॉर एग्जांपल टैक्स रिसिप्ट डू नॉट लीड टू एनी रिडक्शन इन एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। आप जब टैक्स रिसिप्ट होते हैं उससे किसी भी तरह की गवर्नमेंट की एसेट में कोई रिडक्शन नहीं हो रहा। एंड इन कॉन्ट्रास्ट इफ गवर्नमेंट रिसिप्ट मनी बाय सेलिंग इट्स शेयर ऑफ सम कंपनीज। ओके मान लो गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी कंपनी के कुछ कंपनी के शेयर जो हैं वो सेल कर देती है। सो इट कॉजेस रिडक्शन इन एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की एसेट को क्या कर देती है, कम कर देती है। एंड दीज आर देयरफॉर नॉट टू बी ट्रीटेड एज रिवेन्यू रिसिप्ट। इसीलिए इस तरह की रिसिप्ट को कभी भी हम रिवेन्यू रिसिप्ट के रूप में ट्रीट नहीं करेंगे। ओके
रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट मे बी डिफाइंड एज दोज मनी रिसिप्ट विच डू नॉट क्रिएट अ लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड एज वेल डू नॉट लीड टू रिडक्शन इन एसेट ऑफ द गवर्नमेंट. सो स्टूडेंट आई थिंक दिस नाउ द डेफिनेशन इज क्लियर नाउ. ओके सो नाउ रेवेन्यू रिसिप्ट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज टैक्स रिसिप्ट एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट. यस स्टूडेंट सो रेवेन्यू रिसिप्ट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज टैक्स रिसिप्ट एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस टैक्स रिसिप्ट. सो अ टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट बाय द हाउस होल्ड्स फर्म्स और अदर इंस्टीट्यूशनल यूनिट्स. एंड यू नो दैट कि टैक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंपल्सरी पेमेंट होते हैं जो कि सभी को गवर्नमेंट को देने ही होते हैं, उन्हें पे करने ही पड़ते हैं. एंड स्टूडेंट्स द टैक्स पेयर कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी सर्विस और बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट इन रिटर्न. ओके यानी कि कोई भी जो भी टैक्स पेयर्स होते हैं वो गवर्नमेंट से किसी भी तरह के कोई बेनिफिट की या फिर किसी भी तरह की सर्विस की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते. सो अ टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय एन इंडिविजुअल हाउसहोल्ड और अ फर्म टू द गवर्नमेंट विदाउट रेफरेंस टू एनीथिंग इन रिटर्न. ओके सो टैक्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज अंडर फर्स्ट इज प्रोग्रेसिव टैक्स एंड रिग्रेसिव टैक्सेस. सेकेंड इज वैल्यू एडेड टैक्स एंड स्पेसिफिक टैक्सेस. थर्ड इज डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. ओके सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्सेस. सॉरी सो फर्स्ट इज प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्सेस. ये स्टूडेंट्स सो टैक्सेस आर क्लासिफाइड एज प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव डिपेंडिंग ऑन द रियल बर्डन ऑफ टैक्सेशन. सो नंबर वन इज प्रोग्रेसिव टैक्स. प्रोग्रेसिव टैक्स आर टैक्स इज सेट टू बी प्रोग्रेसिव व्हेन द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन इनकम. यानी प्रोग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होते हैं जो कि इनकम के इंक्रीज होने के साथ साथ जब टैक्स का रेट भी इंक्रीज होता चला जाए तो वो हमारा क्या होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स. फॉर एग्जाम्पल सो एंड स्टूडेंट्स द रियल बर्डन ऑफ द टैक्स इज मोर ऑन द रिच एंड लेस ऑन द पुअर. जिस टैक्स का रियल बर्डन है वो अमीरों के ऊपर ज़्यादा होता है और गरीबों के ऊपर कम होता है. फॉर एग्जाम्पल टैक्स रेट इज 10% फॉर इनकम बिटवीन ₹2 to ₹5 lakh एंड इट इज 15% फॉर इनकम बिटवीन ₹5 to ₹10 lakh एंड सो ऑन. सो दस टैक्स रेट इंक्रीजेज एज द लेवल ऑफ इनकम इंक्रीजेज. ओके सो नाउ द सेकेंड इज रिग्रेसिव टैक्स. A tax is said to be regressive when it causes a greater real burden on the poor than the rich. इसके अंदर क्या होगा, आपके पास इसमें गरीबों के ऊपर आप जो हमारे जो पुअर हैं उनके ऊपर बर्डन ज़्यादा होगा और रिच के ऊपर कम होगा. सो यस स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन विद ₹1 lakh एज हिज मंथली इनकम पेज 10% इनकम टैक्स. मान लो एक पर्सन की इनकम ₹1 lakh है मंथली इनकम और वो अपनी उस ₹1 lakh की इनकम के ऊपर 10% का इनकम टैक्स पे कर रहा है. ओके सो और पेज मींस कि पेज ₹10,000 सो ही स्टिल हैज़ अ बैलेंस ऑफ ₹90,000 पर मंथ. अभी भी उसके पास 90,000 तो पर मंथ उसके पास बैलेंस बचा हुआ है ना. बट इफ अ पर्सन विद ₹5,000 एज हिज मंथली income and has to pay 10% income tax. So pays ₹500. So it might mean a cut in his essential consumption leading to poor diet and therefore poor health. अब वो ₹5,000 तो वो 5,000 तो वो क्या कर रहा है, मंथली सिर्फ अर्न नहीं कर रहा है और उसके ऊपर भी उसको 10% का टैक्स देना पड़ जाए, मतलब 500 उसमें 5,000 में से भी देने पड़ जाए तो उसको क्या करना पड़ेगा,
एक पुअर को अपनी जो उसके असेंशियल कंजप्शन है उसमें से कट करना पड़ेगा, ठीक है। उसकी डाइट पुअर होगी और ज़्यादा पुअर हो जाएगी, उसकी हेल्थ पुअर हो जाएगी। सो अ कॉन्स्टेंट रेट ऑफ टैक्सेशन ऑन द रिच एंड द पुअर, एंड द पुअर इज अ रिग्रेसिव टैक्स एज इट कॉजेज अ ग्रेटर रियल बर्डन ऑन द पुअर देन द रिच। ओके, ये स्टूडेंट, सो नाउ वी विल डिस्कस वैल्यू एडिड टैक्स एंड स्पेसिफिक टैक्स। सो वैल्यू एडिड टैक्स, यस, सो डिपेंडिंग अपॉन टैक्स बेस टैक्सेस कैन बी क्लासिफाइड एज वैल्यू एडिड टैक्स एंड स्पेसिफिक टैक्स। सो वैल्यू एडिड टैक्स और वैट, वैल्यू एडिड टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स विच इज इम्पोज ऑन वैल्यू एडिड at the various stages of production. And students, you know that value added refers to the difference between value of output and value of intermediate consumption, and you have already studied in your national income chapter. So it is imposed at each stage of production. ये production की हर stage के ऊपर लगता है. And GST is an important form of value added tax. So now next is specific tax. So when a tax is levied on a commodity on the basis of its unit's size or weight, it is called a specific tax. Okay. So now we will discuss direct tax and indirect tax. So now we will discuss direct and indirect taxes. So taxes are classified as direct and indirect depending on their final burden. So direct taxes, a direct tax is one the final burden of which is borne by the person on whom it is imposed. Yani jiske upar ye lagaya jata hai usi ko ye pay karna hota hai. Okay, so students, for example, income tax is imposed on the income of the person and he himself bears its burden, and the burden of tax cannot be shifted to any other person. For example, income tax, corporation tax, gift tax, wealth tax are the example of direct tax. Okay, तो ये tax जो है वो किसी दूसरे पर shift नहीं किए जा सकते, ये जिसके ऊपर लगाए जाते हैं वही इन्हें pay करता है. Yes, second is indirect tax. So indirect tax is the one the final burden of the of which can be shifted to other persons, and GST is an important example. So indirect tax वो tax होते हैं जो लगाए किसी पे गए हैं, pay कोई और कर रहा है. So students, it is levied on the producers and they are to pay this tax to the government. But they charge this tax from the buyers by adding it to the price of the goods. Okay, मतलब ये tax जैसे लगाए किसी मानो producer के ऊपर ही लगाए, तो producer के ऊपर लगाए गए हैं, producer क्या करेगा उस time तो government को pay कर देगा, लेकिन जब वो बाद में क्या करेगा product को अपनी sale करता है तो उसमें price के अंदर इन taxes की amount को भी add कर देता है. तो ultimately किसने दिया उसको, किसने pay किया, कंज्यूमर. ओके, सो बर्डन, तो ये टैक्स लगाया किस पे गया था, प्रोड्यूसर के ऊपर, पे किसने किया, कंज्यूमर ने. तो ये क्या हो गया हमारे इनडायरेक्ट टैक्स. सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डाल्टन, टू एन इनडायरेक्ट टैक्स इज इम्पोज ऑन वन पर्सन बट पेड पार्शली और होली बाय अनदर. नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. ये स्टूडेंट्स, so direct tax, it is tax which is finally paid by the person on whom it is imposed. Okay, जिसके ऊपर लगाया गया है वही इसे finally pay करेगा. And the burden of direct taxes cannot be shifted to the other person. Direct taxes are generally progressive in nature. ये nature से progressive होते हैं. And for example, income tax, corporate profit tax. Okay,
And indirect tax? Yes, it is the tax which is imposed on one person but is paid by another. And the burden of indirect taxes can be shifted to the other. And indirect tax taxes are generally regressive in nature. Example, GST, custom duty, okay. So students, I think it is sufficient for today. So that's all for today. Have a good day.